Ripen ko te takau Tera papi e moot me ro Teri maya pe nache Bhakti ke pot de ga chatri ke mor sa Wu Shang Clan teri pen ko te takka Wu Shang Clan tera papi e moot me ra Wu Shang Clan teri maya pe nache Bhakti ke pot de ga chatri ke mor sa Hello guys, channel to our welcome Hello channel, welcome to my god Hello guys, welcome to our channel. तो हमारे गेम में आ चुका है बैटल ग्राउंड, स्पेस बैटल ग्राउंड। जी हाँ गाइस, हमारे गेम में आ चुका है स्पेस बैटल ग्राउंड न्यू मोड, जिसपे आप अपने पार्टनर के साथ गेम प्ले कर सकते हो एंड ऑपोजिट टीम को मार सकते हो इजीली। एंड इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे ये मोड काम करता है एंड क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे एंड आप लोगों को बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनाना चाहिए उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने इस वाले मोड के अंदर मिथिकल पहुंच गए तो आपको वो हेड मिलेगा। ये मोड कैसे काम करते हो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अटैक करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा और डिफेंड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे रोल्स मिलेंगे, जैसे आप लोगों को डॉक्टर, टाइम मास्टर, वेटरन, स्नाइपर एंड कंजूरर एंड बहुत सारे लाइक हनी बी, निंजा और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं फटाफट गेम स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज अगर मैं गेम प्ले नहीं करूंगा तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि कैसे ये मोड काम करता है। तो मैं फटाफट यहाँ पे सोलो गेम प्ले स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सोलो गेम प्ले कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि कैसे गेम प्ले करना है। एंड अगर आप लोग सोलो खेले तो मत खेला करो, सोलो बहुत कम खेला करो। आप दो पार्टनर को आप हायर कर लो, या तो आपका जो भी दोस्त वगैरह होगा उसको बोल देना कि आ जाओ साथ में खेलते हैं स्पेस बैटल ग्राउंड, नहीं तो यार सोलो मत खेलना। बिकॉज देखो, अगर आप सोलो पे जाओगे तो आपका पार्टनर आपका बात नहीं मानेगा एंड आप हार जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पार्टनर रैंडम प्लेयर थे एंड मैंने डिफेंड करके रखा था, मैंने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं बोला कि भाई यहाँ पे जाओ इसको मारो, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वो बंदा समझ गया था कि कैसे कैसे खेलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्नाइपर ले लेता हूँ, मेरा पार्टनर डॉक्टर एक है और एक समुराई है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक तो ये नंबर मतलब टॉप 5 कॉम्बिनेशन है जिसपे आप सर्वाइव करके एंड रश करके इजीली जीत सकती हो। क्यों मैं बता देता हूँ, देखो अगर आपके पास स्नाइपर होगा, जो भी टीम लीड करेगा उसके पास अगर स्नाइपर होगा तो यहाँ पे किसी को इजीली एक नॉक निकाल सकता है पहले मीटिंग में। जो भी रेडार होगा वहाँ पे आप लोग बता देंगे कि यार देखो यहाँ पे बंदे हैं तो इस लोकेशन में नहीं जाना, हम लोग को सर्वाइव करना है। तो स्नाइपर का काम ये रहेगा। अब डॉक्टर का काम ये रहेगा कि वो बैक करके ना, जब फाइट हो ना बैक करके कोई अगर डाउन हो जाए तो उसको रिवाइव कर देना। और समुराई का काम ये रहेगा कि टीम फाइट में जब भी कोई टीम फाइट हो तो वहां पे क्या करेगा, वो बंदा समुराई जो अपना शील्ड ऑन कर लेगा तो जो भी टीम आएगा ना वो इजीली खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फाइट चल रहा था व्हाइट के साथ, पहले सियान टीम को लुढ़का दिया एंड हमारे एक टीममेट मर चुका था। तो यहाँ फटाफट जाता हूँ और एक को लुढ़का देता हूँ। तो यहाँ पे दो दो व्हाइट खत्म हो चुके थे, एक मैंने स्नाइप करके उड़ा दिया था पहले ही ब्लू को। सो यहाँ पे मैं और मेरा पार्टनर जो कि ये समुराई है, सो ये मस्त खेल रहा था। डॉक्टर हमारा मर चुका है, सॉरी आई थिंक ये अपना डॉक्टर है, समुराई अपना मर चुका है एंड मैं बना हूं स्नाइपर। तो मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ कि कहाँ पे बंदे कहाँ पे बंदे, और ये बंदा थोड़ा बहुत रस कर रहा था डॉक्टर होके भी। अगर आप लोग डॉक्टर लेके खेल रहे हो तो मत किया करो रस, डॉक्टर हमेशा पीछे रहना चाहिए, समुराई हमेशा आगे रहना चाहिए एंड स्नाइपर जो है वो मिडिल में रह के लोकेशन बोलता रहना कि यार यहाँ पे बंदे तो यहाँ पे जाएंगे तो हार जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होगा तो मस्त होगा इस गेम में। अभी फिलहाल देख सकते हो जोन आ रहा था एंड ब्लू का टीम भी आ गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइट ले रहे थे हम लोग एंड ब्लू को मतलब मारने जा रहे थे, लेकिन ब्लू ने मेरे को डाउन कर दिया था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने रिवाइव कर रहा था मेरे को। यहाँ पे डॉक्टर इसीलिए बेस्ट है बिकॉज एक टीम में अगर डॉक्टर रहेंगे तो यहाँ पे इजीली आप लोग गेम जीत सकते हो, क्योंकि वो रिवाइव करता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक को मैंने डाउन कर दिया था, दूसरे को मैंने स्नाइप करके उड़ा दिया था, तो इजीली गेम था हमारे ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक को खत्म कर देता हूँ, दूसरे को मेरा पार्टनर खत्म कर देता है, तो इजीली यहाँ पे हम लोग विन हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ब्लू को मारा, खत्म गेम। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना। एक और गेम प्ले दिखाना चाहता हूँ मैं, और यहाँ पे देख सकते हो एक मैं एक और न्यू चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप लोगों के गेम में आ रहा है तो ये क्या चीज है वो मैं थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट जाता हूँ, बैक करता हूँ एंड हाँ, हमारे चैनल पे हो रहा है लाइव स्ट्रीम में गिव अवे,
4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, उसके ऊपर हम लोग 400 गोल्ड स्टार गिव अवे करेंगे लाइव स्ट्रीम में। फटाफट जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर आप लोगों के पास दोस्त अगर तो प्लीज यार शेयर करो लिंक को एंड सब्सक्राइब करने बोल दो। एंड हमारे गेम में आ चुका है एक नया चीज, ये येलो कलर का जो चीज देख रहे हो ये हमारे गेम में एक नया चीज आ चुका है जिसका नाम है सार्की बैंक। तो ये बेसिकली है क्या, बहुत लोग बोले थे भाई ये एयर ड्रॉप टाइप के हैं, अगर आप लोग इसको परचेज करोगे तो आप लोग को 400 गोल्ड स्टार मिलेगा। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने पता किया, तो यहाँ पे वो लोग बोले थे डेवलपर्स की अगर इसको आप लोग परचेज करोगे तो इन गेम आपका जो गोल्ड स्टार है वो इस बैंक में क्रेडिट होता रहेगा। एंड सीन ऐसा है कि अगर आप लोग के पास 400 से ऊपर गोल्ड स्टार है तभी ये बैंक आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। लाइक ये बैंक टाइप का काम करता है, एंड इसके प्रॉफिट वगैरह पता नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये मेरे को मारना चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मेरे को जरूर कमेंट में बताना। और यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से आ चुका हूँ गेम में, एंड इस बार मेरा पार्टनर बन चुका था लेजेंड किलर एंड एक न्यू लड़की, पता नहीं रशियन लड़की थी। तो यहाँ पे लेजेंड भाई ने बुलाया था एक बंदी को, तो मेरे को पता नहीं वो कौन है, कैसे खेलते हैं। मैंने तो डिफेंड करके रखा था, एंड मैंने यहाँ पे ले लिया था स्नाइपर, जो मैं स्नाइपर लेके हमेशा खेलता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं स्काउट करता हूँ। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले फाइट मत लिया करो, अर्ली फाइट जब भी तुम लोग लोगे तो चांसेस ये है कि आप एक बंदे को गवा दोगे या तो खुद मर जाओगे, इसीलिए अर्ली फाइट हमेशा अवॉइड करो, कोई सेफ प्लेस पे जाओ सरवाइव करो, एंड देन उसके बाद फाइट लेना लास्ट में जाके। लास्ट में पोजीशन भी हो जाता है आपका सिक्योर जिससे आपका माइनस नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं व्हाइट को डाउन कर दिया था, एंड मैं अपने पार्टनर लोगों को बोला था कि जाने का कोई जरूरत नहीं है, एक को मैंने डाउन कर दिया, मैं ये देख के आता हूँ कि वो जिंदा है या फिर मर गया। यहाँ पे देख सकते हो रेड वाइट जा रहे थे पीछे, तो मैं रेड को जाके फटाफट मारता हूँ, लेकिन वो डाउन नहीं होता, वो शील्ड लगा लेता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारे दोनों पार्टनर पीछे आ रहे थे, व्हाइट मर चुका था, आई थिंक मेरा किल ले लिया था रेड ने, पता नहीं अब, लेकिन व्हाइट भी आ गया था, व्हाइट था टाइम मास्टर। तो मैंने यहाँ पे क्रिम्सन को देखा तो क्रिम्सन को भी डाउन कर दिया था बीच में जाके, एंड यहाँ पे रेड भी आ रहा था, एंड रेड वहां पे शील्ड लगा के भाग गया, लेकिन मेरे पास स्नाइपर था तो मैंने स्नाइप करके मार दिया था रेड को इजीली। तो ये होता है स्नाइपर का काम। अगर आप लोग रस कर रहे हो, रस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि अगर आप लोग रस प्लेयर हो तो आप तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मैं भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 150 लाइक का, अगर तुम लोग कर लेते हो 150 लाइक कंप्लीट करा देते हो 150 लाइक, तो यार मोड के ऊपर कौन से तीन लोगों को तीन कैसे कैसे रोल्स लेने, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाना है रैंक पुश करने का, इसके ऊपर तो मैं जरूर बताऊंगा एक अलग से वीडियो पे। तो प्लीज यार 150 लाइक कंप्लीट कर दो, एंड अगर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे कर दो, बिकॉज हम लोग 4000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। एंड यहाँ पे मैंने अपने पार्टनर लोगों को बोल दिया था कि जाओ स्टोरेज में थोड़ा सर्वाइव कर लो, बिकॉज सर्वाइव करने से ना पोजिशन ग्रैप हो जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक पार्टनर था, वो बार बार बोल रहा था कि भाई फाइट लेते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई पहले सर्वाइव कर लेते हैं, बिकॉज अगर तीन चार टीम रह गए ना तो यहाँ पे सैंडविच बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्काउट विजन करके देखा तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे तो भाई जोन भी है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा कि सर्वाइव करने से जीत जाएंगे ये वो। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा बहुत हम लोग स्काउट करके देख रहे थे कि कहाँ पे बंदे होंगे, और समुराई भाई स्किल यूज कर रहे थे तो मैंने बोला कि स्किल यूज मत किया करो, बिकॉज जब टीम फाइट होंगे तो समुराई का बहुत बड़ा रोल रहता है वहां पे। और अगर आप लोगों के पास कोई एक स्नाइपर वगैरह होगा तो उसको हमेशा बोलना कि आप जाओ सामने, आप जाके देखो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अगर आप लोग एक स्नाइप कर सकते हो तो स्नाइप कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो दो तीन बंदे आ रहे थे और दोनों को वो कर दिया था, और एक बंदा वहां पे टाइम मार्टर था तो पीछे चला गया, लेकिन मैंने उसको स्नाइप करके उड़ा दिया इस बंदे को। एंड देख सकते हो ये रहा स्नाइपर का, इसीलिए मैं स्नाइपर लेके खेलता हूँ। और एक टीम फिर से आ गया था, ये पिंक वाला, और ये भी अपना आई थिंक सो टाइम मार्टर था, और मेरा देखो यार बुरा वक्त कि वो टाइम मास्टर के साथ हनी भी या फिर कोई तो था भाई, मेरे को ही मारा भाई इस पे तो मैं मर गया, कोई बात नहीं, मेरे दो टीममेट जिंदा थे, एंड आई थिंक सो एक को तो लुड़का दिया था। अब 2v2 हो चुका था, एक हनी भी के साथ आई थिंक टाइम मास्टर एंड समुराई था, इसने शील्ड लगा ली और टाइम मास्टर को पेल दिया और उसके अंदर से हनी भी निकल चुका था। तो मेरे दो टीममेट बस से सुन लो कि एक टीममेट थे तो दोनों ने मिलके पिंक को मार दिया था। तो यहाँ पे हम लोग इजीली ये वाला भी गेम जीत चुके थे। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका फेवरेट इस मोड में रोल कौन सा होने वाला है, एंड मेरे को ये भी बताना क्या मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं रोल के बारे में।
टीममेट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।